देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग आज सिर्फ और सिर्फ यही बात करते हैं कि सर कंपनी बहुत ज्यादा लूट रही है, सर कंपनी बहुत ज्यादा पेनल्टी लगा रही है, सर कंपनी हरासमेंट कर रही है, सर कंपनी रिलेटिव को कॉल कर रही है, सर कंपनी के बारे में मैं क्या करूं, सर कंपनी कब तक बंद होगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं तो क्या, कोई भी यूट्यूबर अकेला कभी कुछ नहीं कर सकता। वो कहते ना, अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। उसी प्रकार से मैं हूं या कोई भी यूट्यूबर हो, अकेले दो चार यूट्यूबर मिलके भी कुछ नहीं कर सकते जब तक आप लोग ना ठान लें। फिर भाई, जब तक आप कंप्लेन नहीं करोगे, जब तक आप उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, जब तक आप उनसे डट करके मुकाबला नहीं करोगे, तो मेरे भाई कभी भी किसी कंपनी को ऐसे नहीं उखाड़ा जा सकता। आप प्ले स्टोर पर जाकर के, एक छोटा सा काम हम आपको बताते हैं कि उनकी रेटिंग को डाउन कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए और फ्लैग रिपोर्ट कीजिए। आप उस काम को तो करते नहीं है। हम आपको बोलते हैं अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उनके नाम में कंप्लेन कीजिए, आप वो नहीं करते। अब मैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, सब लोग उसमें इकट्ठा हो जाएंगे, फिर हम इनके खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती। आप लोगों का काम तो मेरे भाई उस कहानी की तरह है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बता देता हूं कि क्या होता। एक गाँव में एक बेचारी बूढ़ी महिला थी और उसकी बेटी जवान थी और गरीब थी, उसके घर में कोई करने धरने वाला नहीं था। वो जवान बेटी के हाथ पीले करे तो कैसे करे, उस बेटी की शादी करे तो कैसे करे। उसने दो चार लोगों से ये बात रखी कि मेरी बेटी को लोग बुरी नजर से तकते हैं, आप लोगों का बड़ा एहसान होगा, आप मेरी बेटी की पूरा गांव मिलकर के शादी करवा दीजिए, मैं पूरे गाँव का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और जब उन दो चार लोगों से ये बात बोली बूढ़ी औरत ने, तो वो सब लोग बड़े गुब्बार हो गए। उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, पूरे गांव को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी हमारी है और ये पूरी जिम्मेदारी हमारा पूरा गांव मिलजुल के इस तरीके से निभाएगा कि आप टेंशन मत लो कि वो बेटी आपकी नहीं, वो बेटी हमारी है। और जब ये बात सब लोगों ने मिलजुल के एक दूसरे से बताई और सब लोगों ने एक मीटिंग जमाई और उस मीटिंग में सब लोग आकर के बैठ गए, हो गए तो उन लोगों में बातें होने लगी। तो कुछ पंच लोगों ने ये फैसला रख दिया कि ये बेटी आपकी नहीं, इस गांव की बेटी है, हम लोगों की बेटी है। अगर इस बेटी की शादी के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो सब लोग क्या करेंगे, जब बारात आएगी तो बारात का स्वागत कम से कम कहीं ना कहीं हम खीर दूध से तो कर ही सकते हैं। आप एक काम करो, सब लोग अपने घर से जितना भी दूध लेके आ सकते हैं, सब लोग अपने घर से थोड़ा थोड़ा दूध लेकर के आना, वो दूध इकट्ठा करके हम सब लोग उसकी खीर बनाएंगे और खीर बना करके बारात का बहुत धूमधाम से स्वागत करेंगे। तो मेरे भाई सब लोगों ने कहा हाँ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हाँ हाँ हम आज ही अपने अपने घर में सब लोग प्रचार कर देंगे, अपने घर में बता देंगे कि एक लोटा दूध फला तारीख को उसके घर पर जाना है। सब लोग अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध लेकर के आएंगे। और जब मेरे भाई शादी आई तो सब लोगों को अपने अपने घर से दूध लेकर के आना था और शर्त के मुताबिक सब लोग अपने अपने घर से दूध लेकर के उस बूढ़ी औरत के घर पर आए और उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा टब या एक बड़ा सा ड्राम लिया, उसके ऊपर एक कपड़ा लगा दिया, उस कपड़े को चारों तरफ से रस्सी से बांध दिया ताकि उसके अंदर कोई धूल मिट्टी या कोई रेत बजरी उसके अंदर ना चली जाए, या किसी के दूध में अगर कोई बाल या कोई किसी तरीके का कचरा आ जाता है तो वो इस कपड़े में छन करके वो ऊपर रह जाएगा और दूध दूध नीचे चला जाएगा। सब लोग अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध ला रहे थे और उस ड्राम में डालते जा रहे थे, एक एक लोटा दूध ला रहे थे और उसमें डालते जा रहे थे। सब लोग दूध लाए और पलटा, दूध लाए और पलटा, सब लोगों ने दूध उस ड्राम में डाल दिया। लेकिन जब बारात आने का समय हुआ और सब लोगों ने उस ड्राम को खोल करके देखा कि चलो अब एक काम करते, दूध बहुत इकट्ठा हो गया है, अब इस दूध की खीर बना करके बारात का स्वागत करेंगे। तो जब उस ड्राम को खोल करके देखा गया तो उस ड्राम में ज्यादा से ज्यादा पानी देखने को मिला। उसमें एक दो व्यक्ति ने ही दूध डाला होगा, वरना उस ड्राम में किसी भी व्यक्ति ने दूध नहीं डाला था। हर व्यक्ति ये सोच रहा था एक अकेले मेरे उसमें पानी डालने से किसी को क्या पता लगेगा, वहां तो ड्राम का ड्राम भरा हुआ दूध का है, उसमें अगर मैं एक लोटा पानी डाल दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें से दो चार लोगों ने ही दूध डाला होगा, वरना पूरे गाँव से वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक एक लोटा पानी आया और पानी भरते भरते वो ड्राम पानी से भर गया। पानी तो बहुत हो गया पर दूध कहीं से नहीं आया। उसी प्रकार से जैसे वहां पर दो चार लोगों ने सिर्फ एक दो लोटा दूध डाला, वैसे ही आज आप लोग भी करते हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, सब लोगों में हाहाकार मचा हुआ कि लोन कंपनी लूट रही है, एप्लीकेशन वाले ये कर रहे हैं, एप्लीकेशन वाले वो कर रहे हैं, तो उनमें से दो या चार ही लोग हैं जो उनके खिलाफ कंप्लेन करते हैं, जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, एक या दो ही लोग हैं जो उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, वरना ज्यादा से ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं सर एप्लीकेशन बंद करवाइए, सर हम तुम्हारे साथ हैं, सर आप कब तक इस एप्लीकेशन को बंद करवा रहे हैं, सर आप जहां बुलाना चाहो मैं वहां आने को तैयार हूं। आने की कहीं भी किसी को कोई जरूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे बैठे भी सारे लोग इस एक्शन को ले सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर में जाकर के उसकी रेटिंग को डाउन करना है और वहां पर लिखना है फेक एंड फ्रॉड ऐप और उसको सबमिट कर देना है। तो ये आपको जो एप्लीकेशन लग रही है कि ये एप्लीकेशन गलत है, आप उसको वहां से फेक एंड फ्रॉड करके सबमिट कर सकते हैं, यानी कि आप उसकी रेटिंग को डाउन करके उसके लिए घटिया कमेंट आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन कर सकते हैं, आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों का फोन कॉल्स और रिपोर्ट हो जाएंगे तो मेरे भाई एक दिन इन कंपनियों को बंद होना ही पड़ेगा। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि मैंने दूध वाली कहानी, उस गरीब बेटी की कहानी क्यों सुनाई है। मेरे भाई आप में से ही वो लोग हैं जो कंप्लेन नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ बोलते रहते हैं। तो ये काम आप आज से शुरू कर दीजिए,
दीजिए, आप दूध की जगह पानी मत डालिए, आपको देना है तो 100% दूध दीजिए, यानी कि आपको 100% वो एक्शन लेने हैं, कंप्लेन करनी है, उनके खिलाफ आपको आवाज उठानी है, तभी जाके कुछ हो सकता है। और हाँ, आप में से अगर किसी को भी जरा भी मेरी अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। बस आप लोग मेरी बातों को सुनकर के बुरा ना माना कीजिए, इन वीडियो को आप देख करके जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सीखते होंगे और आप लोगों को मेरी बातों से कोई ना कोई मोटिवेशनल जरूर मिलता होगा। बाकी जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे भाई बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो मेरे भाई बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं, जैसे मेरे भाई एक चैनल है निषाद खेल म्यूजिक, इसमें मेरे भाई बहुत बढ़िया कॉमेडी सांग तमाशा ढोला वगैरह नहीं सुनते थे आप लोग पहले, कुछ इस तरीके की मेरे भाई ये वीडियो डालते हैं, बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनाते हैं। तो मेरे भाई आप लोग एक बार जाकर के निषाद खेल म्यूजिक चैनल को भी देख लीजिए, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छा चैनल है। और दूसरा चैनल मेरे भाई, दूसरा चैनल है फैक्ट टैक इंडिया। तो फैक्ट टैक इंडिया वाले मेरे भाई एक बंदा है बहुत ही गजब की नॉलेज देता है, जिसका नाम है मेरे भाई ब्रजेश कश्यप। तो ब्रजेश कश्यप जी का मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरीके की वीडियो बनाते हैं, तो आप एक बार जाइए और जाकर के उनके चैनल को भी देख लीजिए, बहुत ही गजब की वीडियो बनाते हैं मेरे भाई। और तीसरे व्यक्ति मेरे भाई ए टी जी, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कमाल की वीडियो बनाते हैं, अनुज टैग गुप्ता जी। तो आप जाइए अनुज टैग गुप्ता जी की वीडियो को देखिए, और ये बंदा मेरे भाई वो बंदा है जिसने बहुत सारे एप्लीकेशंस वालों के पैसे आज तक लेकर के दिए ही नहीं है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कमाल का नॉलेज इस बंदे के पास है। तो आप जाइए ATG यानी कि अनुज टैग गुरु की वीडियो को भी आप जाकर के देख लीजिए, अनुज टैग गुरु बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनाते हैं। तो मेरे भाई मैं आप लोगों से लेता हूं इजाजत, तब तक के लिए सो थैंक यू, नमस्कार।